नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तु के मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मेरे जो भीम दोष के लिए मैंने मेरा पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि भीम दोष क्या होते हैं, ये अपने ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, कैसे एक भीम के द्वारा अनिद्रा, तनाव, घर में पारिवारिक झगड़े, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होना, बेडरूम के अंदर पति पत्नी का तनाव होना और अग्निकोण के अंदर हो तो कैसे अपना खाना डिस्टर्ब हो जाना, कैसे पूजा घर में हो तो ध्यान डिस्टर्ब हो जाना, कैसे ब्रह्म स्थान में है तो सब प्रकार के दोष उत्पन्न कर देना। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं मेरे इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इन भीम दोष को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, बहुत सरल उपचार है, आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए। मैं इसीलिए आपको ये मेरे वीडियो देख बार बार बता रहा हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि मैं बिना तोड़ फोड़ का वास्तु मेरी सबसे बड़ी प्रधानता रहती है। जहां आवश्यक होता है तोड़ फोड़, वहां तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो एकदम क्लीन बात है कि आपको मैं एकदम सरल प्रकार से ये भीम दोष के बारे में बताऊं और उसके उपाय बताऊं। भीम दोष यदि आपके बेडरूम के अंदर भीम है तो आप क्या करेंगे, आप बेडरूम के अंदर फॉल सीलिंग कर दीजिए। और मैं तो आपको ये तक कहता हूं कि आप तो कोशिश ये कीजिए कि यदि आप नया घर बना रहे हैं तो आप पहले से ये प्लान करके रखें कि मुझे वहां पे फॉल सीलिंग बनाना है। देखो, वास्तु का मतलब होता है ऊर्जाओं का एक सही तरीके से समायोजन, हमारे जो पांचों तत्व है सही तरीके से समायोजन हो। यदि छत के ऊपर एक फॉल सीलिंग लग जाएगी तो ऊर्जा का फ्लो है तो कभी सही तरीके से हो जाएगा। ऊर्जा के लिए मैं एक अपना नया पंच तत्वों के लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आप फॉल सीलिंग लगा के अपना भीम दोष दूर कर सकते हैं, चाहे वह ब्रह्म स्थान पे है या कोई भी स्थान पर है। यदि आप अभी फॉल सीलिंग का खर्चा नहीं करना चाहते तो आप प्रत्येक भीम के ऊपर एक स्वास्तिक उसी आकार का, यदि 6 इंच का भीम है तो आप कम से कम 6 नहीं तो 9 इंच का एक साधारण स्वास्तिक आप सिंदूर से बना सकते हैं, आप एक स्टिकर चिपका सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार एक स्वास्तिक बनाकर एक छोटा सा उपचार करके आप अपने भीम दोषों को समाप्त कर सकते हैं। बाजार में आजकल कई प्रकार के पायरा स्वास्तिक भी आ गए हैं, तो आप पिरामिड्स लगाकर, पायरा स्वास्तिक लगाकर भी आप अपने भीम दोष का निवारण कर सकते हैं। कितना इजी उपचार है। भ्रम दोष यदि आपका है तो आप स्पेशली ध्यान रखें, जहां सेंटर है, जहां नाभि है, तो एक अच्छे कुशल वास्तु शास्त्र की सलाह से नाभि जो दोष है, नाभि के जो दोष के कारण हमारी समस्याएं इकट्ठी हो रही है, तो आप उसपे भी ये चीज करें। आपका बच्चा यदि भीम के नीचे पड़ रहा है तो आप इसकी टेबल को थोड़ा आगे पीछे खिसका दें ताकि वह भीम से बच जाए। आप भीम के ऊपर 2 बांसुरी, मोर का पंख और एक रेड कलर का रेशमी धागा जो होता है वो बांध कर वह भी आप लगभग 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें आप लटका सकते हैं। 45 डिग्री 120 डिग्री आपको ये कुछ समझ में नहीं आता, आप ऐसे लटका दीजिए, मैं कहता हूं आप देखना उसी से फर्क पड़ जाएगा। किसी भी भीम में आप किसी प्रकार से, आजकल तो बहुत सारे जैसे मोरपंख भी लगा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डेकोरेटिव चीजें आती है जिससे भीम को हम कवर कर सकते हैं, तो आप भीम को कवर कर दीजिए, उससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके अलावा और बहुत सारे उपचार है लेकिन वो सारे कुशल वास्तु शास्त्र के निर्देशन में ही ठीक रहते हैं। मैंने आपको जो उपचार बताए हैं सारे घरेलू उपचार बताए, आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसे उपचार को आप कीजिए, किसी भ्रम में मत रहिए, आप अपना घर का वास्तु दोष स्वयं ठीक कीजिए। यदि आपके शयन कक्ष के अंदर भीम है तो आप कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार से आपका बिस्तर उस भीम के नीचे नहीं आए। यदि किचन के अंदर स्लैब के ऊपर भीम आ रहा है तो आप आगे पीछे खिसका लीजिए थोड़ा, उस आपकी जो गैस स्टोव है आप उसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। कोई आपके ये मशीनरी है, किचन टूल्स है,
या दूसरी मशीनरी घर के अंदर है, जैसे फ्रिज है, जैसे वॉशिंग मशीन है, कुछ छोटी छोटी आटा पीसने की चक्की होती है, ऐसे कुछ चीज जो बीम के नीचे आ रही है, तो वो तनावग्रस्त हो जाएगी, बार बार खराब होगी। आप उसको उस जगह से हटा दीजिए, या आप आज कीजिए, और इसका परिवर्तन आप मेरे कहने से खुद स्वयं महसूस करेंगे कि कितना अच्छा परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों, आप जब राजेश व्यास के साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं, घर में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। मेरी जो एक पुस्तक है खुशियों का वास्तु, आप उसको पढ़िए। ज्यादा क्लिष्ट वास्तु मैं कभी नहीं बताता जो बहुत खर्चे का होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे नए नए वीडियो आप देखने के लिए। अभी ये जो आइकॉन बटन जो आपको दिख रही है, घंटी दिख रही है ना दोस्तों, आप इसको दबाइए, आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो अपने दोस्तों को, परिवार को, अपने सारे ग्रुप्स में आप सभी लोगों को ये वीडियो मेरा भेजिए। देखिए दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैं राजेश व्यास, नए वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।